Hello everyone, this is Mohammed Kaif and welcome all of you, not only welcome, heartily welcome all of you in my new YouTube video. इसका नाम है हमारा न्यू जर्नी. नाम क्या है इसका? न्यू जर्नी होने वाला है. यस सर, आज क्या पढ़ाओगे आप? जैसे मैंने कहा था हमारे लास्ट वीडियो में कि जो हमारा पहला वीडियो बनेगा वो किसमें बनने वाला है, वो 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स के ऊपर बनेगा. अब मैं डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले भाई, हम सब जानते हैं कि हमने क्या किया है, एक नया जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं. यस डेफिनेटली आपको मालूम होगा सर, ये जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट नाइन और फाइनली हमने बोर्ड क्रैक कर लिया, मींस हम 10th पास हो गए. और जो हमने फर्स्ट टू 10th तक किया है वो एक अलग लाइफ है, वो अलग जर्नी था, वो एक अलग फेज था लाइफ का. अभी क्या मिलने वाला है आपको? फॉर एग्जाम्पल, जो किसी ने 10th क्लियर कर लिया है, राइट, मीन्स ऑप्शंस क्या क्या आपके पास, कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है, एज वेल एज कुछ बच्चे डिप्लोमा भी करते हैं, राइट. लेकिन मान लो जिन बच्चों ने डिसाइड किया है कि भाई 10th करने के बाद मैं क्या लेने वाला हूं या फिर लेने वाली हूं, अगर डिसाइड किया आपने कॉमर्स चूज करने का, तो उसके लिए मालूम तो होना चाहिए भाई कॉमर्स होता क्या है, आइडिया तो होना चाहिए कॉमर्स होता क्या है. अगर ये मुझे मालूम पड़ जाए तो कॉमर्स पढ़ने में और मजा आएगा. एटलीस्ट थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए हमारे हमको कि भाई जो कॉमर्स हम करने वाले हैं, जो स्टार्ट होने वाला है एक नया जर्नी. यहाँ पे देखोगे पीछे एक ट्रेन बनी हुई है, थोड़ा रफ डायग्राम है लेकिन मैंने ट्राई किया एटलीस्ट थोड़ा दिखे वो ट्रेन के जैसा, जिसका ट्रेन का नाम क्या है भाई? हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस. अब फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड जो हमने किया है वहां पर, जो लाइफ हमने एंजॉय किया है, कहां से कहां भाई, फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड जो हम स्कूल में स्टडी किए हैं सारे स्टैंडर्ड्स को, फर्स्ट टू 10th को. अब भाई ये जो सेक्शन है ये हमारी जिंदगी से अभी निकल गई है. जो बचपना था हमारा, जो टीचर का डांट था वो मिलेगा लेकिन थोड़ा बहुत कम मिलेगा. अभी जो लोड था सर पे थोड़ा ज्यादा था, थोड़ा और कम होगा ऐसा लगता है हमें, ऐसा हमें लगता है भाई. एक छोटा सा कंक्लूजन जान लो, हम सुनते हैं भाई कॉलेज में गए घूमने मिलेगा, मस्ती करने मिलेगा, इतना अभी लाइफ थोड़ा टफ नहीं होगा जो पहले ऐसा था भाई. ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, मैंने याद रखना तो सिंपल सी बात, जब हम फर्स्ट में थे थोड़ा कम सिलेबस था, फर्स्ट से हम सेकंड में गए थोड़ा सा सिलेबस और बढ़ गया. मींस हमने जैसे जैसे स्टैंडर्ड्स को पास किया है, क्रैक किया है, हमारे ऊपर थोड़ा बहुत लोड तो बढ़ गया है ना. अब मान लो आप 10th के बाद 11th में आए हो, मींस कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने मिलेगा, और कुछ एक्स्ट्रा छोड़ो एक नया जर्नी स्टार्ट करने वाले हो आप, राइट. अब ये जर्नी कैसा होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूंगा फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड का. याद रखना ये मेरा एक इंजन है. कौन हम आप? इंजन कौन है? एक बच्चा. याद रखना इंजन कौन है यहाँ पर? चलाता कौन है इस चीज को? स्टूडेंट, जैसे कि हम और आप, ठीक है भाई. अब देखो पहले क्या था इस सेक्शन में, पहले क्या था, जो हमारा वंदे भारत का इंजन है, मीन जो हम बच्चे हैं स्टूडेंट है, हमारे पास पहले टोटल 4 बोगियां थी जो हमें हमारे कंधे के ऊपर खींच कर लेके जाना पड़ता था, राइट, उसको क्रॉस करने के लिए, उसको क्रैक करने के लिए, ठीक है. कौन कौन से? फॉर एग्जाम्पल फेमस वन इज साइंस जो था पहले हमें, राइट. कहां बात कर रहा हूं मैं? फर्स्ट टू 10th की बात कर रहा हूं, ठीक है. वहीं पर और क्या था हमारे पास? हमारा और फेमस मैथ्स. उसके साथ में हमको क्या था? लैंग्वेज. और क्या था फिर? सोशल स्टडीज. इसके 3 पार्ट थे, हिंदी इंग्लिश मराठी एज पर योर लैंग्वेज, ठीक है ना. वहीं पर फिर यहाँ पे क्या था? हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. अंडरस्टैंड. अब सर ये जो लाइफ था वो गया, वो जर्नी को अभी बोलना नहीं, ये साथ लेके चलने के, क्या हो गया वो लाइफ हमारा जा चुका है. एक नया स्टार्टअप होने वाला है, एक नया जर्नी. अब देखो भाई इंजन तो वही रहेगा जो पहले था, मींस आप और हम, वंदे भारत जो था वही रहेगा. अब क्या होगा सर? कुछ एक्स्ट्रा बोगी ऐड होगी और भाई बोगी का नाम भी हम चेंज करने वाले हैं. याद रखना जो बच्चे 11th कॉमर्स 10th के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे कॉमर्स करना चाहिए, ये वीडियो उनके लिए, ठीक है. अब यहाँ पर ध्यान देना एक चीज, पहले क्या था हमारे पास? साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज और सोशल स्टडीज, ठीक है.
अब मैं स्टार्ट करूं कि आपका नया जर्नी कैसे होगा। इससे पहले जिन्होंने डिसाइड किया है कि मुझे लेना है कॉमर्स, अब भाई पहले जान तो लो कॉमर्स का मतलब क्या है, कॉमर्स का मतलब क्या है, उससे पहले कॉमर्स का मतलब क्या है उसके बाद हम देखेंगे दो नई बोगियां कौन सी ऐड हुई है और इनको रिप्लेस किसने किसने किया है। ठीक है, अच्छा बता दूं मैं आपको, ये जो कॉमर्स होता है, ये जो वर्ड है कॉमर्स, ठीक है ना, इसका मीनिंग अगर मैं एक वर्ड ये बताऊं तो याद रखना, आप जो भी कुछ करने वाले हो ना आज इस वीडियो में एक छोटी सी लाइन में हम पूरा कॉमर्स आज पढ़ के जाएंगे, मीन्स हमारा लेवल 12 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझाने के लिए कह रहा हूं ऐसा बस। मैं कॉमर्स का मतलब होता है, एक वर्ड में इसको आप कहते हो ट्रेडिंग, क्या कहते हो ट्रेडिंग, ठीक है ना। अब देखो कॉमर्स का मतलब ही क्या होता है, ट्रेडिंग। अब शायद ये वर्ड कुछ बच्चों के लिए नया होगा, लेकिन ये ऐसा नॉर्मल सा वर्ड ही, ये ट्रेडिंग हम सुनते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज, ट्रेडिंग का मतलब स्टेटमेंट बताओ मैं आपको इसको, मैं इसका मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस, बस सर इतना ही होता है। हाँ जी इतना ही होता है, यही हमारा कॉमर्स है। याद रखना एक वर्ड मीनिंग क्या है इसका, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस, मतलब सर किसी भी चीज को एक पर्सन जब खरीदता है और बेचता है वही क्या होता है हमारा कॉमर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो दिवाली आ गई है, आने वाली है दिवाली, राइट। अभी शॉपिंग करेंगे हम, बहुत कुछ खरीदेंगे, कपड़े लेंगे, फटाके लेंगे। मान लो आप गए कपड़े लेने के लिए कपड़े के शॉप पर, राइट। आपने एक जींस सेलेक्ट किया, भाई मुझे ये जींस चाहिए, ये आपको पसंद था, आपने दिया। अब देखो दो चीज यहां पर होगा, दो पर्सन यहां पर होंगे, एक कौन भाई, एक होगा शॉपकीपर, एक कौन होगा शॉपकीपर होगा, और एक कौन होगा बायर। बायर कौन, मतलब भाई एक पर्सन जो आप, मान लो मैं हूं एक पर्सन, इसका नाम मान लेते हैं चिंटू, नाम क्या है इसका चिंटू, ठीक है ना। आप चिंटू को मालूम है दिवाली आने वाली है, क्या किया उसने, गया वो शॉप में किस लिए, नए नए कपड़े खरीदने के लिए, ठीक है भाई। अब चिंटू ने ये शॉप में क्या सेलेक्ट किया, उसने एक जींस उसको पसंद आ गई, भाई मुझे ये जींस चाहिए। मान लेते हैं जींस का प्राइस हम डिसाइड करते हैं कुछ 500 रुपीज, कितना 500 रुपीज। अब देखो चिंटू मिया को ये जींस पसंद है, तो जींस लेगा। अब क्या होगा, देखो यहां पर क्या होगा भाई, एक्सचेंज होगा ना भाई, क्या होगा यहाँ पर एक्सचेंज मींस। अब देखो ये जो 500 रुपीज है चिंटू को पेड करना पड़ेगा किसको, शॉपकीपर को, भाई यहाँ पर 500 रुपया आ गया किसके तरफ से, चिंटू के तरफ से। वहीं पर ये जो जींस है अब कौन लेगा भाई, शॉपकीपर क्या करेगा, जींस क्या करेगा, इसको ये जींस दे देगा चिंटू के हाथ में, चिंटू भाई ये लो आपका जींस, ये लो आपका जींस। अब देखो यहां पर दो वर्ड था, एक क्या था बाइंग एंड सेलिंग, एक क्या था बाइंग एंड सेलिंग। अब देखो भाई शॉपकीपर ने क्या किया, जींस को दिया है किसको, हमारे चिंटू मियां को, मतलब शॉपकीपर कौन हो जाएंगे हमारे लिए, सेलर, कौन हो जाएंगे हमारे लिए, सेलर। वहीं पर चिंटू ने क्या किया, जींस खरीदा है किससे, शॉपकीपर से, मींस ये हमारे लिए कौन हो जाएंगे, बायर, कौन हो जाएंगे, बायर, ठीक है ना। अब देखो ये जो बीच में एक्सचेंज हुआ है ना जींस और पैसों का, किसका, जींस और 500 रुपीज का, पैसा किसने दिया, चिंटू मिया ने, जींस किसने दिया, शॉपकीपर भैया ने, ठीक है ना। अब इसको ये जो एक्सचेंज हुआ है, ये जो बीच में अदला बदली हुई है, एक्सचेंज हुई है, इसका मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग। इसका मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग, ठीक है ना। मैं रिपीट कर रहा हूं, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, कॉमर्स का मतलब क्या होता है, यहां पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को जब हम परचेस करते हैं और सेल करते हैं वही क्या होता है हमारा, ट्रेडिंग, और वही क्या होता है हमारा, कॉमर्स, समझे क्या। अब देखो, अब सर इतनी सी चीज पढ़ने के लिए 11th बना दिया सरकार ने, 12th बना दिया सरकार ने, उसके आगे भी हम पढ़ने वाले हैं किसको, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग को, ये दो लाइन को, लाइन क्या है हमारा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो यहां पर दो वर्ड और है,
एक क्या है हमारा गुड्स। अब यहां पर जीन्स क्या रहेगा हमारा गुड्स रहेगा। क्यों भाई? अब देखो गुड्स का मतलब, अच्छा एक चीज है गुड्स एंड सर्विसेस, ये वर्ड्स बार बार आपको आएगा, गुड्स एंड सर्विसेस, ठीक है। अब देखो फर्क इतना ही है, गुड्स वो होगा टेंजिबल, मतलब सर उसको आप छू सकते हो, पकड़ सकते हो, अपने हाथ में आप ले सकते हो, जैसे कि जीन्स, इसको भाई मैंने पहना भी है, राइट, मैंने जीन्स पहना भी है, मैं उसको टच कर सकता हूँ, वो क्या हो जाएगा हमारा गुड्स। अब गुड्स का मतलब कह सकते हो आप प्रोडक्ट, कोई भी सामान, कोई भी सामान वो क्या होता है हमारा गुड्स होता है, ठीक है ना। अब देखो सर्विस जिसको हम कहते हैं सुविधा, फॉर एग्जाम्पल ये कैसा होगा, ये होगा इनटेंजिबल, ये कैसा होगा इनटेंजिबल, ठीक है ना। अब देखो फॉर एग्जाम्पल हम क्या सिर्फ और सिर्फ गुड्स ही खरीदते हैं, हम क्या सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ही खरीदते हैं, नहीं भाई हम कभी कभी सर्विस भी तो लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो आप स्कूल ज्वाइन करते हो, किस लिए सर, क्या चाहिए आपको, टीचिंग चाहिए, क्या चाहिए आपको भाई, टीचिंग चाहिए, आपको पढ़ना है वहां पर। अब एक बात बताओ, टीचर जो पढ़ाती है क्या आप उसको पकड़ सकते हो? हाँ मैम मैं बोलो बोलो मैं पकड़ रहा हूं, पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। क्यों सर? क्योंकि वो होता है कैसा, वो होता है इनटेंजिबल, वो हमारे दिमाग में है, हाँ ऐसा सा पढ़ाया था मैम ने वगैरह वगैरह था, वो क्या होता है हमारा सर्विस। अब भाई रिपीट कर रहा हूं मैं, सेंटेंस क्या था हमारा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस, मीनिंग किसका, हमारे कॉमर्स का, किसका, कॉमर्स का। अब देखो ये दो लाइन को पढ़ाने के लिए क्या क्या बना है, होल सिलेबस, कुछ कुछ छह सब्जेक्ट है सिर्फ किसको पढ़ाने के लिए, हमारे इस ट्रेडिंग वर्ड को पढ़ाने के लिए। इसीलिए भाई ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस ये छोटा सा कंसेप्ट नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट नहीं है, इसको मैनेज करना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है, इसको तरीके से इसके ऊपर काम भी करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो भाई एक चीज यहां पर, अब भाई ये जो चीज है हमारा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज, इसको समझाने के लिए पहले क्या था हमारे पास, फर्स्ट टू टेंथ, फर्स्ट टू टेंथ हमारे पास टोटल चार बोगियां थी। एक क्या था हमारा फेमस, साइंस, मैथ्स, फिर लैंग्वेज और फिर सोशल स्टडीज। लेकिन लेकिन जिन बच्चों ने डिसाइड किया है क्या भाई टेंथ के बाद क्या करने के लिए, हम चूज करेंगे कॉमर्स, अब हमको क्या क्या नया मिलेगा, मींस भाई अब एक नया जर्नी स्टार्ट होगा, एक नया सफर स्टार्ट होगा। लेकिन याद रखना इंजन जो है वही रहने वाला है, बस भाई ये बोगी को खींचने वाला, और जिसको जो बोगी खींचते थे बस वो बोगियां चेंज होगी, खींचने वाला कौन होगा, जो था वही है, वो कौन है हमारा स्टूडेंट, हम और आप, ठीक है। अब देखो भाई सिर्फ इस लाइन को पढ़ने, लाइन क्या है हमारा, रिपीट कर रहा हूं बार बार इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बढ़िया ना रिपीट कर रहा हूं मैं, देखो लाइन क्या है हमारा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको पढ़ाने के लिए जो पहला सब्जेक्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा इकोनॉमिक्स, वो मिलेगा इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद इसको पढ़ाने के लिए, ट्रेडिंग को अच्छे समझने के लिए जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपका बुककीपिंग, वो क्या मिलेगा आपको, बुक कीपिंग मिलेगा। ये किसका नाम है भाई, ये हमारी नई बोगिया है, मतलब हमारे नए सब्जेक्ट होने वाले हैं, पहला क्या है इकोनॉमिक, सेकंड क्या है बुक कीपिंग। और वहीं पर इस लाइन को समझाने के लिए जो अगला सब्जेक्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स मैनेजमेंट, क्या मिलेगा आपको, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स मैनेजमेंट, कॉमर्स मैनेजमेंट जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो OCM, क्या कह सकते हो OCM, ठीक है। अब ये तीन सब्जेक्ट फिक्स्ड है, उसके साथ में एज वेल एज आपको लैंग्वेज तौर में मिलता है, जो लेना पड़ेगा हमसे भी आपको लेना पड़ेगा आपको इंग्लिश, ये आपको फिक्स लेना ही है। पहला क्या होगा इकोनॉमिक्स, फिर क्या होगा बुक कीपिंग, फिर क्या होगा हमारा OCM, मतलब क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स मैनेजमेंट, फिर क्या मिलेगा आपको इंग्लिश मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हमको कुछ ऑप्शंस दिया है, कुछ ऑप्शंस दिया है छोड़ा किसके ऊपर भाई, हमारे इस इंजन के ऊपर, कि भाई एक काम कर चार बोगी है लेकिन तुझे चार में से कोई भी दो लेके जाना है आगे, ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या क्या है, पहला ऑप्शन मिलता है आपको या तो आप ले लो मैक्स, या तो फिर आप ले लो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस जिसको हम कहते हैं SP, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको हम SP, सेक्रेटेरियल
प्रैक्टिस, ठीक है। अब लास्ट में मैंने कहा था चार बोगी है, दो बोगी क्या है हमारा मैक्स और एसपी, दोनों में से कोई एक ही लेके जाना है हमें आगे। लास्ट में आपको बोला है भाई एक काम कर, दो बोगी और है, दो बोगी और है, दोनों में से कोई एक ही लेके जाना है। ऑप्शन में क्या क्या है, एक लैंग्वेज फिर से मिलेगा आपको जो फेमस है हमारा, हिंदुस्तान में हम रहते हैं तो हिंदी पढ़ना चाहिए हमें, राइट। उसके साथ में लास्ट में आपको मिलता है भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको आप शॉर्ट में कह सकते हो आईटी, इसको आप शॉर्ट में कह सकते हो आईटी। नाम क्या है पूरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखो देखो भाई ये जो कॉमर्स है इसका मीनिंग क्या था, ट्रेडिंग, मतलब क्या होता है इसका, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ इस वर्ड को समझाने के लिए टोटल छह बोगी को आपको रेलगाड़ी जुग 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 करते करते आपको खींच के लेकर जाना है, जब तक आप ट्वेल्थ को क्रैक ना कर लो, पास ना कर लो, ठीक है। अब देखो भाई थोड़ा सा अगर हम समझे इस सब्जेक्ट को कि सर कैसा होगा, हमें मालूम है कि टेंथ तक साइंस कैसा था, मैथ्स क्या था, लैंग्वेज क्या था, सोशल स्टडीज क्या था, मुझे उसका तो आइडिया है। क्यों सर, क्योंकि हम उसको पढ़ के निकले, हमने चार पांच साल छह साल सात साल हमने पढ़ा है उसको। लेकिन अब क्या भाई यहाँ पर क्या शुरू होने वाला है, न्यू जर्नी जो शुरू हो भी चुका है, याद रखना है ना गाना वो, लो सफर शुरू हो गया, हो गया भाई। इंजन कौन है हमारा, स्टूडेंट। और नई बोगी का नाम क्या है, एक बोगी का नाम क्या है इकोनॉमिक्स, एक का नाम क्या है बुक कीपिंग, एक का नाम क्या है ओसीएम, एक का नाम क्या है इंग्लिश जो पहले था, और एक क्या है हमारा मैथ्स और एसपी, दोनों में से कोई एक, एक क्या है हमारा हिंदी और फिर आईटी, दोनों में से कोई एक ही लेना है। अब जाते हैं सर थोड़ा बहुत इन नई नई बोगी को हम जान लेते हैं कि कैसा होगा, कि कैसा होगा। देखो यहां पर मैं स्टार्ट करूं फर्स्ट हमारे इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब देखो इसको पढ़ने के लिए इस सब्जेक्ट में आपको याद रखना ये टोटली आप कह सकते हो, ये जो हमारा इकोनॉमिक्स जो है ना, ये जो हमारा इकोनॉमिक्स है, ठीक है, काफी इजी सब्जेक्ट है, पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। ये जो होने वाला है ये होगा 50% थ्योरेटिकल, मींस थोड़ा सा थ्योरी इसमें मिलेगा, वहीं पर 50% ये होगा प्रैक्टिकल, मींस सर थोड़े बहुत ग्राफ है इसके अंदर, थोड़ा बहुत मैथ्स भी इसके अंदर आता है, लेकिन काफी इजी होगा, काफी इजी होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर बुक कीपिंग, नेक्स्ट क्या है हमारा बुक कीपिंग। अब देखो इसको, इस वर्ड को सुनने से मालूम पड़ रहा है मतलब बुक को रखना, बुक को संभाल के रखना, लेकिन कौन सा बुक को। अब देखो भाई हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉमर्स, मतलब क्या होगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, भाई उसका रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा ना। क्यों भाई, हम कॉमर्स लिए हैं, मींस हम व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है, एक अकाउंटेंट हम बनेंगे, एक बैंकिंग में हम नौकरी करेंगे, मींस अब जो भी कुछ गया है कंपनी से, कुछ लोगों ने खरीदा, उसका रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना। वो कौन रखता है, वो रखता है हमारा बुक कीपिंग। और ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है ये 100% आपका होगा प्रैक्टिकल। कैसा होगा ये, प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा ओसीएम, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स मैनेजमेंट। अब देखो भाई मेन चीज जो कॉमर्स जो है, जो हमारा ट्रेडिंग है, उसको मैनेज करना कैसे, ये कहां पढ़ोगे आप, हमारे ओसीएम के अंदर, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट 100% आपको मिलेगा थ्योरेटिकल, मींस यहां ज्यादातर क्या मिलेंगे आपको, थ्योरी ही मिलेंगे। अब भाई ऑप्शन में हम जानते हैं इंग्लिश क्या होता है, जो आप पढ़ते आ रहे थे, ग्रामर वगैरह होगा उसके अंदर। नेक्स्ट क्या है हमारा मैथ्स, अब मैथ्स जो हम जानते हैं क्या होगा, वही नंबर्स, ज्योमेट्रिकल फिगर्स वही होंगे। अब नया क्या आते हैं यहां पर, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, इसको हम कहते हैं एसपी, इसको हम कहते हैं एसपी, ये हमारे लिए नया है, ठीक है। अब देखो यहां पर लेकिन एक चीज बताऊं इसके बारे में, ठीक है ना, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस को लेकर बहुत लोग खुद भी सोचते हैं भाई यार ये वर्ड जो है, मुझे लगता है क्या ये पढ़ने के बाद हम क्या बनेंगे, सिक्योरिटी गार्ड। नहीं भाई नहीं, स्पेलिंग क्या है देखो उसका, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ये पढ़ने के बाद आप सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनोगे, आप गार्ड नहीं बनोगे, ठीक है ना। देखो हम बच्चे सोचते हैं सर इसमें क्या बनेंगे, हम क्या बनेंगे, सिक्योरिटी बनेंगे क्या,
हम सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे, हमारा काम क्या होगा? ऐसे टोपी मान लिया, यूनिफॉर्म पहन लियो और लकड़ी हाथ में, जागते रहो जागते रहो जागते रहो। ये काम यहाँ पर नहीं करोगे, ठीक है ना। ये जो सब्जेक्ट होगा, नाम क्या उसका? एसपी। फुल फॉर्म क्या होगा उसका? सिंपली प्रैक्टिस, ठीक है ना। अब ये पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन है एक बहुत बड़ा पोस्ट, एक बहुत बड़ा पोस्ट याद रखना, जिसको हम कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी। क्या कहते हैं इसको? हम कंपनी सेक्रेटरी। इसके बारे में बात करेंगे आगे हम, लेकिन एक चीज याद रखना, अब ये जो एसपी है ये कैसा होगा? 100% थ्योरेटिकल। ये कैसा होगा? 100% थ्योरेटिकल, ठीक है। ये मेरी खत्म हो गया। हमारा सेकंड क्या भाई? हिंदी। हम जानते हैं हिंदी क्या है, वही सेम चीज, ग्रामर व्याकरण आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्या हमारा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हो सकता है नया है, लेकिन कुछ खास में है ही नहीं, इसको हम कहते हैं आईटी, ठीक है ना। अब आईटी क्या होगा भाई? जिसमें आप पढ़ोगे कंप्यूटर्स के बारे में। ये भी कैसा होगा? मींस प्रैक्टिकल ही होगा। ये कैसा होगा? प्रैक्टिकल ही होगा, ठीक है ना। अब देखो भाई, यही क्या है हमारा होल कॉमर्स, यही क्या हमारा होल कॉमर्स है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉमर्स का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग। मतलब क्या भाई? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। अब इस चीज को पढ़ाने के लिए हमारे पास मतलब हो गया है, छह हो गया है। कौन कौन से? पहला इकोनॉमिक्स, बुक कीपिंग, ओसीएम, इंग्लिश, फिर हमारा मैथ्स या फिर एसपी, फिर हमारा हिंदी या फिर आईटी। अब सर, ये लाइन को पढ़ने के लिए इतना कुछ क्यों बना, इतना कुछ क्यों बना? उससे पहले एक चीज, एक सवाल आपसे। अच्छा ये जो बताओ, बाइंग एंड सेलिंग जो होता है, जो ट्रेडिंग होता है, क्या सिर्फ और सिर्फ एक आम मार्केट में होता है? क्या नहीं? एक कंट्री टू कंट्री भी हम करते हैं ट्रेडिंग, राइट। एक स्टेट टू स्टेट भी ट्रेडिंग होता है वहां पर भाई। उसका रिकॉर्ड हमें मैनेज करना पड़ता है, आपको मालूम होना चाहिए कब हमें प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है, कब सेल करना है, कब हमें ज्यादा बनाना चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए, किसको बेचना चाहिए, कितने रेट पे कब हमें सेल करना चाहिए, कब हमें ऑफर लगाना चाहिए। ये सारा आइडियाज कहाँ मिलेगा आपको? कॉमर्स में मिलेगा, ठीक है ना, याद रखना। अब एक चीज सर, ये कॉमर्स में मैंने सुना है कि बहुत सारे कम जॉब अपॉर्चुनिटीज होते हैं, यहाँ काम बहुत कम है। ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कॉमर्स करने के बाद। अब बहुत कुछ बन सकते हो, जैसे कि हमारा सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। इससे पहले जो बड़ा काम है कॉमर्स का, उसका मतलब क्या होता है? बिजनेस। आप खुद का बिजनेस ओपन कर सकते हो, वहां पर बैंकिंग में काम कर सकते हो, लॉयर भी बन सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है ना। तो कॉमर्स जो होगा वो काफी बेटर होगा, काफी बेटर होगा, ठीक है ना। अब एक चीज मैंने कहा था सर कि हम 10th क्रैक कर चुके, 10th हम पास हो चुके। अब हम सुनते हैं हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं, भाई कॉलेज जाएंगे, साथ में कोई होगी, गार्डन में होंगे, थोड़ा मजे करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, वो सारे वहम है, ये बहुत बड़ा प्रैंक है हमारे साथ, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो भाई, लेवल बढ़ा है, लेवल बढ़ा है, कुछ जिम्मेदारी आपके ऊपर एक्स्ट्रा आई है, दो बोगी नहीं आई है, अब संभालना पड़ेगा उसको, पढ़ना पड़ेगा उसको। ऐसा नहीं होता, घूमना है, एंजॉयमेंट करना है। देखो टेंशन लेने का नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक चीज कि यहाँ पर जो आपने 10th है ना, 10th आपका, उससे 50% इजी होगा आपका सारा का सारा सब्जेक्ट, याद रखना। ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। कॉमर्स जो है वो काफी इजी सब्जेक्ट है, अगर आप उसको समझोगे तो, अगर आप उसको समझोगे तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने कहा था कॉमर्स मतलब क्या होता है इसका? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ इस दो लाइन को पढ़ने के लिए हमारे क्या क्या हमारे पास? इकोनॉमिक्स है, बुक कीपिंग है, ओसीएम है, इंग्लिश है, मैथ्स है, एसपी है, हिंदी और फिर आईटी है, ठीक है ना। अब देखो मुझे मालूम है सर, खरीदना और बेचना मतलब ज्यादा कुछ नहीं होगा, जो भी आप पढ़ोगे वो जुड़ा होगा किससे? हमारे इस दोनों लाइन से। मतलब ज्यादा टफ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, काफी इजी होने वाला है और काफी हम फन भी करेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।